तेरी सबसे बड़ी दौलत तेरा बेटा जो अब मेरी मोहब्बत की तिजोरी में कैद है, अब तू मुझे क्या दे पाएगा? बवासब है, क्यों बर्बाद कर रही है उसकी जिंदगी? हमारा तुम्हारा जो रिश्ता था उसकी कीमत मैं तुम्हें दे चुका हूँ। रिश्तों की कोई कीमत नहीं होती, रिश्ते तो अनमोल होते हैं। लेकिन ये बात आप कैसे समझेंगे, क्योंकि आप तो दिमाग से चलते हो और आपका बेटा दिल से। और दिमाग और दिल की लड़ाई में जीत हमेशा दिल की होती है। देख लेना मिलन साहब, आपका बेटा आपसे जरूर जीत जाएगा। मैं हाथ छोड़ता हूँ, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। मेरे बेटे को अपने गिरफ्त से आजाद कर दो। अच्छा लगा तुम्हारा मेरे सामने गिड़गिड़ाना, मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल को काफी सुकून मिला। यहाँ आपकी दुहाई सुनने वाली बॉबी नहीं रहती, यहाँ ऐसी बॉबी रहती है जिसका दिल समाज ने पत्थर का बना दिया है। और पत्थर पर सर टकराने से कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए चले जाओ यहाँ से। सुनिए, रितेश उस लड़की से प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है। वो लड़की हमारे घर की बहू बनने लायक नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो उम्र तुमसे ज्यादा और औकात में हमसे कम है। प्यार ऊंच नीच नहीं देखता। तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए कि अपनी शादी के बारे में सोचो। मैं बालिग हूँ पापा, मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूँ। अपनी मर्जी से लिए हुए फैसले जिंदगी बर्बाद कर देते हैं बेटा। मैं फैसला कर चुका हूँ, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ बॉबी से। ठीक है, मैं भी अपने जीते जी तुम्हें इस अंजाम तक नहीं पहुंचने दूंगा। सुनिए, हम लोगों ने भी तो लव मैरिज की थी ना, भागकर शादी की थी ना हम लोगों ने। फिर क्यों अपने बेटे के प्यार के दुश्मन बन रहे हो? क्यों नहीं शादी करने देते उसे? मत बोलो बीच में। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ बॉबी से। क्यों बीच में ना बोलो? मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। हजार बार तुमसे कहा ये शादी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि क्योंकि एक बार नहीं, हजारों बार मेरे साथ वो हरम में सर हो चुकी है। बेटा, अब तो तू उसी लड़की से शादी करना और उसी से औलाद भी पैदा करना, ताकि तेरा बाप अपने वंश को देखकर उसकी आत्मा, उसका दिल खून के आंसू बहाए, अपने वंश को देखकर उसे पता चले कि इसे उसी लड़की ने पैदा किया है जिसके साथ उसने कई बार मुंह काला किया। यही तेरे बाप के पापों की सजा है।